एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ये शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 7:30। हाँ, मुझे लग रहा है जहाँ तक 5:30 ही हो रहा है। और अभी मैं आई हूँ किचन में, बना रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा चाय, क्योंकि शाम में नाश्ता हुआ था ऐसे फ्रूट, मतलब आजकल तो ऐसे फ्रूट फ्रूट ही चल रहा है। मतलब तबीयत ठीक नहीं था तो इतना सारा फ्रूट मतलब आ रहा था खरीद के, तो नहीं खाएंगे तो होगा नहीं, मतलब कितना ख़राब हो जाता है। और अभी भी मतलब पपीता आया है तो वो मतलब लग रहा है हम मतलब कि वो भी ख़राब हो गया जैसे लग रहा है। तो आज तो मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी थोड़ा सा कीवी और गाजर और पता नहीं एक 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 हाँ एक सेब, वही इसी सबको मैं आज नाश्ते में यही खाई। तो चाय बना रही हूँ साथ के साथ, चम्मच ले रही हूँ तो थोड़ा सा चाय बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए पीने के लिए। और तो वही खा के रह जाती हूँ, तो उसके अलावा कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। और आज दिन में खाना बना था तो खाना भी मतलब होता है ना कि बड़ा वाला का भी तबीयत ख़राब है। मेरा तबीयत ख़राब मतलब था, लेकिन अभी तो थोड़ा ठीक है तबीयत, उतना मतलब वो नहीं है मेरा। लेकिन आज मतलब रात से बड़ा वाला का भी तबीयत ख़राब हो गया है, तो अभी मेरा छूट रहा है तो खुजली भी कर रहा है ऐसे। मतलब होता है ना कि इसमें मैं वो नहीं लगाती तो शायद अभी तक जाता ही नहीं। मलहम इसमें लगाने वाला आया था, वही लगाई तो इतना जल्दी छूट गया ये। तो बड़ा वाला का भी तबीयत ख़राब है, छोटा वाला का भी तबीयत ख़राब था, तो सबका फाइनली छोटा वाले का तो ठीक हो गया, मेरा भी ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खांसी अभी नहीं ठीक हुआ है, और जो मुँह में वो गर्मी से जो निकल जाता है वो अभी मतलब निकला है। तो आज उसका भी मलहम मतलब आ गया लगाने के लिए, तो मैं 2 बार वो भी लगाई हूँ आज। तो इसी सब के चक्कर में क्या करूँ, ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कल भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ, परसों भी शायद ब्लॉग नहीं शूट हुआ था। और अभी मैं किचन में आई तो सोची कि थोड़ा सा तो कम से कम आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर दूँ। तो मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए चाय बना रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि मतलब होता है ना कि सिर भारी होने लगता है चाय नहीं पीती हूँ। तो सोची थी कि नहीं पीऊँगी, क्योंकि जो मुंह में वो गर्मी से निकल जाता है तो चाय नहीं पीऊँगी तो अच्छा ही रहता, लेकिन क्या करूँ मन नहीं वो हुआ। तो चलो सोची कि चलो थोड़ा सा चाय पीती हूँ, तो वही बना रही हूँ फाइनली। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा अभी का ब्लॉग ऐसा ही चल रहा है, और बहुत जल्दी न्यू ईयर आने वाला है, तो देखते हैं न्यू ईयर पे कहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं या घर में ही रहते हैं। अभी तो कोई ऐसे मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कि कहीं जाएंगे, तो जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो घर में रहेंगे तो ब्लॉग तो डेफिनेटली बनेगा ही। तो जो जो होगा सो सो तो सब मैं मतलब शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, और आप लोग का कहाँ प्लान है जाने का। ऐसे तो अभी के टाइम में मतलब ज़्यादा गैदरिंग में जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सीज़न मतलब होता है ना कि मौसम इतना ना ख़राब चल रहा है कि कहीं भी जाइए तो हेल्थ इशू इतना बढ़ जा रहा है कि दिमाग ख़राब हो रहा है। तो पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा ऐसा ही तबीयत ख़राब है, तो फाइनली अब थोड़ा ठीक हुआ तो अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कहीं जाने का, रेस्ट करने का मन है सिर्फ। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, ऐसे बोलेंगे तो हस्बैंड को तो कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे, लेकिन इस बार पता नहीं मेरा ही मन नहीं है कहीं जाने का। तो देखते हैं उस टाइम क्या होता है। तो आज मेरे को मतलब रात में मेरे लगाई थी बाल में ऑयल, तो खूब अच्छे से मतलब होता है ना मसाज करके लगाई थी बालों में ऑयल। और आज मैं सोची थी कि बाल वॉश करूँगी, लेकिन आज दिन है मतलब भी ही बार बोलते हैं बृहस्पतिवार आज दिन है, तो आज वॉश तो नहीं करते हैं बाल। लेकिन फिर भी मैं सोची कि वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे डर लग गया। मैं सोची कि कभी ऐसे वॉश नहीं की हूँ, क्योंकि मतलब मेरा जो ये आँख है ना उसके चलते बोला मतलब डॉक्टर आँख चेक कराने जाती हूँ तो बोलते हैं कि वो मतलब नाइट में तेल लगा के बाल में नहीं छोड़ने के लिए, ये आँख का जो मेरा ऊपर का है ना सब सूज जाता है ठंडा से।
तो इसीलिए तो देखिए कल क्या होता है। ऐसे अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है सूजा टाइप का ये वाला इसके ऊपर का, तो देखिए क्या होता है। तो इसीलिए मैं नाइट में कभी तेल नहीं लगाती हूँ, मतलब लगाती हूँ उसके अगले दिन में वॉश कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम में बाल में तेल नहीं रखती हूँ। तो चाय तो बॉयल हो गया, थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ। चीनी निकाल देती हूँ। ऐसे मेरा मन था कॉफी पीने का, लेकिन मैं सोची कि चलो चाय पी लेती। कॉफी मतलब होता है ना कि उसको हाथ से इतना टाइम फेंटना पड़ता है ना, तो मेरा मन ही नहीं। लेजी लेजी मतलब होता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है अभी, तो मैं सोची कि चलो चाय पी लेती हूँ। और कॉफी मतलब ऐसे ला के ये पूरा डब्बा ऐसे ही पड़ा है, मतलब जैसे कोई व्रत होता है तो मैं पीती हूँ, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही डब्बा पड़ा है। तो देखते हैं कब पीते हैं, इसका भी टाइम जरूर आएगा पीने का। छानती हूँ, चाय हो गया ऑलरेडी। और तबीयत पूरा ऑलरेडी मतलब ठीक हो गया है, सिर्फ खांसी मेरा नहीं ठीक हुआ है। खांसी का दवा मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, खांसी का दवा खाने पे इतना नींद लगता है ना कि मतलब होता है ना कि दिन में भी नींद लगे, मतलब सो जाती हूँ, रात में भी सो जाऊंगी, इतना नींद लगेगा और पूरा मतलब बॉडी इतना पेन करने लगता है। इसलिए मैं सोची कि नहीं खाऊंगी, अपने आप ही ठीक होगा। कितना दवा खाए, मन मतलब होता है ना वो हो जाता है दवा खाते खाते। तो मेरा चाय हो गया डन, थोड़ा सा तो चाय बनाई दिखाती हूँ मैं आप लोगों को छानने के लिए। मतलब एक कप तो हो ही जाता है, तो आज एक कप भी नहीं बना है। ऐसे अभी कुछ भी खाने का भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। दिखाती हूँ इतना चाय बना कितना। तो चलिए देखते हैं, एक दो बिस्कुट खाऊंगी इसके साथ और चाय पीते हैं। मैं बरामदे में ही ले चलती हूँ, रखती हूँ चाय और देखती हूँ बिस्कुट कौन है। मैं खाती हूँ और बिल्कुल भी अंधेरा हो गया है। जल्दी में ले आई हूँ बिस्किट और यहीं पे मतलब हॉल में बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए सोफा पर, क्योंकि घर में बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो मैं दिखाती हूँ, ये वाला बिस्कुट था, बेकरी वाला बिस्कुट होता है, पता नहीं यही वाला था, मैं यही दो ले ली हूँ। चलिए पीती हूँ फटाफट चाय, आप लोग भी पी लीजिए। तो चलिए पीते हैं चाय, और इतना लेट चाय कौन पीता है। ऐसे मन नहीं था पीने का, लेकिन फिर सोची कि चलो थोड़ा सा सिर भारी हो रहा था तो सोची कि थोड़ा सा पी लेती हूँ। मतलब जो चीज़ जब मन करता है तभी। तो ये आप लोगों के लिए। ऐसे जो मतलब क्या बोलते हैं, मुंह में जो हुआ है ना उसके चलते कुछ भी खाने का ऐसे मन तो नहीं कर रहा है। चलिए फटाफट चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं उस टाइम मिलने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब उसके बाद मतलब ब्लॉग ही नहीं मैं शूट किया आगे का। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि सब कोई मतलब सो रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैं मिलूँगी फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय एंड गुड नाइट। I'm gonna go to the bathroom.